अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा। उसके लिए हमने 1.5 कप पानी लिया है और 1 किलो चीनी ली है। चीनी को हमने हाफ़ डालना है, पहले हाफ़ चीनी हमने रख लेनी है, वो बाद में डालेंगे। अब इसमें हाफ़ टी स्पून डालना है टाटरी का और हाफ़ टी स्पून ही नमक का है। इसको डाल के पका लेना है। जब ये पकने लग जाएगा तो फिर दूसरी हाफ चीनी जो है और हाँ 1.5 कप पानी है वो बाद में डालना है। फिर ये हमने जो 1.5 कप पानी और आधी चीनी डाली थी वो पक रही है। अब इसमें बाकी की आधी चीनी डाल देनी है और साथ में वो वाला गर्म पानी, जो 1.5 कप गर्म पानी और था वो हमने पहले से गर्म करके रखा था, वो इसमें डालना है। ये इसका प्रोसेस है। जो आधा पानी है वो बाद में डालना है गरम, आधी चीनी भी बाद में डालनी है और आधा पानी 1.5 कप है वो बाद में, जब पहले पानी को उबाला आ जाएगा तो दूसरा पानी बाद में डालना है इसमें। अभी इसको पका के गाढ़ा करना है। ये अब पक के गाढ़ा हो गया। अब एक तार की चाशनी बन गई है। अब इसमें कलर डाल देना है, रेड फूड कलर डालना है। एक टेबल स्पून हमने डाला है। कलर देख लेना है, अगर आपको कम लगे तो और डाल लेना है। ये अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसमें कोवड़ा सेंस डालना है। ये बस 3-4 ड्रॉप डाले हैं, ज़्यादा डालेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। और ये 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर के हैं, ये डाल देने हैं। चूल्हा बंद है। अब इसको ठंडा कर लेना है, ये और गाढ़ा हो जाएगा। ये रूह अफ़ज़ा बन गया है हमारा। इसकी फाइनल लुक देख लें, ये देखिए इतना गाढ़ा है। ये हमने एक रूह अफ़ज़ा की बोतल थी खाली, उसमें ये भर लिया है। ये हमने गिलास में थोड़ा सा पानी डाल के उसमें रूह अफ़ज़ा डाला है। ये दूध डाल के उसमें ये डाला है, रूह अफ़ज़ा जो बनाया था हमने। रूह अफ़ज़ा घर में बनाएं, इंजॉय करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।